इस वीडियो में उपकार का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरी है, जैसे कि एसएससी, जेई, आरआर, बीसीई और जितने भी टेक्निकल लेवल के एग्जाम होते हैं वो सभी इसमें कवर करेंगे। उपकार कंप्लीट होने के बाद आरके जैन, आरएस खुरमी का भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं थर्मोडाइनमिक्स से। आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा कि थर्मो के बाद कौन सा सब्जेक्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर वन, फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए परफेक्ट गैस द वैल्यू ऑफ डी पी बाई पी इज इक्वल टू। तो परफेक्ट गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन में डी पी बाई पी का वैल्यू किसके बराबर रहेगा, तो ये माइनस डी वी बाई बी के इक्वल रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, द गैस लो पी वी बाई टी इजल टू कॉन्स्टेंट इज ट्रू फॉर। गैस लो पी वी बाई टी सही है किसके लिए, आइसोथर्मल चेंज ओनली, एडियाबेटिक चेंज ओनली, ये दोनों के लिए सही है, बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक चेंज। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, एयर इन ए सिलेंडर इज सडनली कंप्रेस्ड बाई ए पिस्टन विद द पासेज ऑफ टाइम। सिलेंडर में पिस्टन में अचानक एयर को दबाने से क्या होता है, इसमें प्रेशर डिक्रीज करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, द वर्क डन इन ए एडियाबेटिक चेंज ऑन ए पार्टिकुलर गैस डिपेंड अपॉन ओनली। एडियाबेटिक चेंज में वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा, ये चेंज इन टेम्परेचर ओनली पे डिपेंड करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द वर्क डन इन ए आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए गैस डिपेंड अपॉन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन किस पर डिपेंड करेगा, ये बोथ टेम्परेचर एंड एक्सपेंशन रेशियो दोनों पर डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर फाइव में था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये डिपेंड था टेम्परेचर और एक्सपेंशन रेशियो पे, और एडियाबेटिक चेंज में इसमें सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न विद द कंजर्वेशन ऑफ। सभी को पता है फर्स्ट लॉ किस इसका कंजर्वेशन है, ये एनर्जी का कंजर्वेशन है, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, ए कार्नोट साइकिल वर्क बिटवीन ए हॉट रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1 एंड कोल्ड रिजर्वायर एट टेम्परेचर T2 टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए T1 इंक्रीज और T2 को डिक्रीज करेंगे तो इसका एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। हम लोग को पता है कि कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी n इज इक्वल टू क्या होता है, T1 माइनस T2 बाई T1। अगर लॉजिकली देखा जाए तो T1 माइनस T2 बाई T1, इसमें अगर T1 को इंक्रीज करते हैं और T2 को डिक्रीज करते हैं तो हमारा ये कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर एट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। इंटेंसिव प्रॉपर्टी हम लोग को पता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, जो सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उसे बोलते हैं जो मास पे डिपेंडेंट करता है। जैसे कि अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी का बात करें तो ऑप्शन के अनुसार समझ लीजिए, एक ये सिस्टम है और सिस्टम को इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर लें। अगर हमें चेक करना है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद, जैसे कि एग्जाम्पल पे ये वॉल्यूम दिया हुआ है, अगर हम सिस्टम का पूरा वॉल्यूम लो और उसको डिवाइड करें तो इसमें भी हाफ वॉल्यूम और हाफ वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये डिपेंडेंट है मास पे। और अगर टेम्परेचर की बात करें कि अगर इस बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है तो इधर का भी 5 डिग्री ही सेल्सियस रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ऑप्शन के अनुसार एट का आंसर बी है, टेम्परेचर। एंड विच ऑफ द फ्लोइंग एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नाइन का वॉल्यूम है। नाउ क्वेश्चन नंबर टेन, द टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम जीरो इज कॉल्ड। जिस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है उसे एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द यूनिट ऑफ एनर्जी इन SI इज। सभी को पता है कि SI यूनिट एनर्जी का क्या है, जूल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 1 वाट इज इक्वल टू। 1 वाट किसके बराबर होता है, तो 1 वाट होता है जूल पर सेकेंड। तो ऑप्शन के अनुसार कोई नहीं है इसमें, और जो वाट होता है वो पावर का यूनिट होता है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 13, 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14, द हीटिंग एंड एक्सपेंडिंग ऑफ गैस इज कॉल्ड, हीटिंग और एक्सपेंडिंग गैस को क्या बोलते हैं? वो उसको थर्मोडाइनमिक प्रोसेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लोविंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिया गया स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? तो बात करते हैं स्लोप की, द स्लोप ऑफ वेपराइजेशन कर्व इज ऑलवेज नेगेटिव, ये स्लोप वेपराइजेशन का वो पॉजिटिव होता है। तो स्लोप ऑफ वेपराइजेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये सही हो सकता है। द स्लोप ऑफ सब्लिमेशन कर्व इज नेगेटिव फॉर ऑल प्योर सब्सटेंस, सभी प्योर सब्सटेंस के लिए सब्लिमेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव दिया हुआ है तो ये गलत है। द स्लोप ऑफ फ्यूजन कर्व इज पॉजिटिव फॉर ऑल प्योर सब्सटेंस, ये गलत है। फ्यूजन सभी के लिए, सभी प्योर सब्सटेंस के लिए फ्यूजन कर्व पॉजिटिव नहीं होता है, क्योंकि अगर फ्यूजन कर्व वाटर का लिया जाए तो वाटर का नेगेटिव होता है, अगर फ्यूजन कर्व अगर वाटर का लिया जाए तो उसमें नेगेटिव होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन हीटेड एट 0 डिग्री सेल्सियस, बोल रहा है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन हीटेड एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे जब स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर को हीट किया जाता है तो क्या होता है? तो ये पहले डिक्रीज करता है देन इंक्रीज करता है, ऑप्शन बी। जब स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर को हीट करते हैं तो पहले डिक्रीज करेगा उसके बाद इंक्रीज करेगा, तो ऑप्शन बी सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनल एनर्जी ऑफ परफेक्ट गैस डिपेंड ऑन, तो जब भी इंटरनल एनर्जी की बात करें, इंटरनल एनर्जी की बात करें तो हमेशा सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, ऑप्शन डी टेम्परेचर ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इन रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होगा? द ट्रू हीट ट्रांसफ़र ओकर, ऑप्शन ए सही है, द ट्रू हीट ट्रांसफ़र ओकर है, इसमें हीट ट्रांसफ़र ओकर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, एन आइसोट्रॉपिक प्रोसेस इज ऑलवेज, आइसोट्रॉपिक प्रोसेस ऑलवेज क्या होता है? ये रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक होता है, ये ऑप्शन डी, ऑलवेज रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक होता है। और क्वेश्चन नंबर 20, सेकेंड लॉ थर्मोडाइनमिक्स डिफाइन, तो सभी को पता है सेकेंड लॉ थर्मोडाइनमिक्स क्या डिफाइन करता है? तो एंट्रोपी डिफाइन करता है, ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, फॉर एनी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी इज, तो कोई भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमेशा एंट्रोपी चेंज वो जीरो होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी जीरो होता है, तो ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो एंट्रोपी चेंज होता है सिस्टम का वो जीरो ही होता है और सराउंडिंग का भी जीरो होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, केल्विन प्लैंक्स लॉ डील विथ, जो केल्विन प्लैंक्स लॉ है वो किसके साथ डील करता है? तो ये कंजर्वेशन ऑफ हीट इंटू वर्क को करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही है, कंजर्वेशन ऑफ हीट इंटू वर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द प्रॉपर्टी ऑफ ए वर्किंग सब्सटेंस विच इंक्रीज या डिक्रीज एज द हीट इज सप्लाई या रिमूव इन रिवर्सिबल मैनर इज नोन एज, तो उसको एंट्रोपी बोलते हैं। रिवर्सल मैनर में वर्किंग सब्सटेंस का प्रॉपर्टी में इंक्रीज या डिक्रीज होना या हीट को सप्लाई या रिमूव करना वो एंट्रोपी कहलाता है, ऑप्शन डी सी सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, द एंट्रोपी मे बी एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ, एंट्रोपी किसका फंक्शन है? ये टेम्परेचर और प्रेशर, मतलब ऑप्शन ए सही है, मतलब जो एंट्रोपी है एक्सप्रेस प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द चेंज ऑफ एंट्रोपी व्हेन हीटेड हीट इज एब्जॉर्ब बाय द गैस, चेंज ऑफ एंट्रोपी व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब बाय द गैस, जब हीट को गैस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा तो चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या होगा? तो ये चेंज ऑफ एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ऑप्शन ए सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, गिब्स फंक्शन इज एक्सप्रेस एज, गिब्स फंक्शन क्या एक्सप्रेस करता है? तो ये
यू प्लस पी वी माइनस टी एस, मतलब ऑप्शन ए इसका सही है यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, एवियबिलिटी फंक्शन इज एक्सप्रेस एज। एवियबिलिटी फंक्शन क्या एक्सप्रेस करता है, यू प्लस पी नॉट बी माइनस टी नॉट एस, मतलब ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, फॉर ईच मोल ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ मोल नाइट्रोजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबसन कार्बन, मतलब कार्बन को कंप्लीट कंबसन करने के लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है वो होता है डी 79/21, ऑप्शन डी सही है, मतलब 79/29। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल, तो सभी को पता है कि ये सभी में दिया हुआ सॉलिड फ्यूल कौन सा है, तो कोल है, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, ए केमिकल फ्यूल इज ए सब्सटेंस विच रिलीज डैश ऑन कंबसन। केमिकल फ्यूल एक सब्सटेंस है जो जलने पर कौन सी एनर्जी रिलीज करेगी, तो वो हीट एनर्जी रिलीज करेगी। कोई भी केमिकल फ्यूल जब जलता है तो हीट एनर्जी ही रिलीज करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल चेंज इज कॉल्ड। केमिकल चेंज में सबसे छोटा पार्टिकल को एटम कहते हैं, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन ऑफ मॉइस्ट एयर। कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन के दौरान रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यह डिक्रीज करेगा, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल हीटिंग के दौरान रिलेटिव ह्यूमिडिटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये इंक्रीज करेगा, ऑप्शन बी सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, एन एयर वाशर कैन वर्क एज। एयर वाशर क्या काम करता है, तो वो फिल्टर, ह्यूमिडिफायर एंड डीह्यूमिडिफायर, मतलब ये ऑल ऑफ दिस इसका आंसर सही है। मतलब एयर वाशर फिल्टर के लिए भी काम करता है, ह्यूमिडिफायर का भी काम करता है, डीह्यूमिडिफायर का भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 36, रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी ऑफ ए गुड स्टीम पावर प्लांट मे बी इन रेंज ऑफ। रैंकाइन साइकिल का एफिशिएंसी अगर कोई भी स्टीम पावर प्लांट की बात करें तो सबसे बढ़िया एफिशिएंसी 30-35% होता है। अगर किसी भी रैंकाइन साइकिल में अगर एफिशिएंसी 30-45% दे दिया तो सबसे अच्छा पावर प्लांट उसको माना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, इन केस ऑफ हाइपरबोलिक एक्सपेंशन ऑफ ए गैस द हीट सप्लाई इज डैश द वर्क डन। हाइपरबोलिक एक्सपेंशन के केस में जो हीट सप्लाई होगा वो वर्क डन के बराबर होगा, तो ये होगा इक्वल टू, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, द रिवर्सिबल इंजन आर। रिवर्सिबल इंजन क्या है, ये मोस्ट एफिशिएंट है, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, गैसेस कुड हैव ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेसिफिक हीट बट ओनली डैश स्पेसिफिक हीट आर डिफाइंड। गैस का इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है लेकिन टू स्पेसिफिक हीट ही डिफाइंड है, ऑप्शन बी सही है, टू स्पेसिफिक हीट आर डिफाइंड। कौन सा, वो भी आप लोग को पता होगा, सीपी और सीबी, यही दो स्पेसिफिक हीट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, ए अल्कोहल इज लिक्विड ऑप्टेन फ्रॉम। अल्कोहल एक लिक्विड फ्यूल है, वो कहाँ से ऑप्टेन होता है, तो ये वेजिटेबल मैटर से ऑप्टेन होता है, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फ्लोविंग प्रोसेस और सिस्टम डज नॉट इन हीट, मतलब कि जिस सिस्टम में हीट इन्वॉल्व नहीं होता है उसको हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में कोई हीट इन्वॉल्व नहीं होता है, तो आंसर सी, एडियाबेटिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 42, फॉर स्टोरिंग ए गैस विच ऑफ द फ्लोविंग टाइप ऑफ कंप्रेशन विल बी आइडियल। गैस को स्टोर करने के लिए इनमें से कौन सा कंप्रेशन टाइप आइडियल होगा, तो इसका आंसर है आइसोथर्मल, तो ऑप्शन डी सही है। तो स्टोरिंग गैस के लिए जो कंप्रेशन टाइप आइडियल रहेगा वो आइसोथर्मल रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फ्लोविंग गैसेज ओबे काइनेटिक थ्योरी परफेक्टली, तो पता है काइनेटिक थ्योरी परफेक्टली कौन सा गैस ओबे करता है, तो
परफेक्ट गैस ओबे करता है, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 डैश इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो हम लोग को पता है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम कौन सा नहीं है, वो हीट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम नहीं है। तो प्रेशर, टेम्परेचर और स्पेसिफिक वॉल्यूम ये क्या है, सिस्टम का प्रॉपर्टी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम एन इंजन पॉसेस विच ऑफ द फ्लोइंग एनर्जीज। इंजन से निकलने वाला धुआं कौन सा एनर्जी को फॉलो करता है, तो ये फॉलो करता है काइनेटिक एनर्जी को फॉलो करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 डिफ्यूजन इज, डिफ्यूजन क्या है, ये मिक्सिंग ऑफ अनलाइक फ्लूड्स, ये अनलाइक फ्लूड का मिक्सिंग है डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 47 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का रिलेशन बताता है, तो सभी का पता है हीट वर्क एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, ये क्या है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक का रिलेशन को बताता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 द टेम्परेचर इन ए प्रोसेस इन विच वर्क इज डन बाई एक्सपेंडिंग ए गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन विल बी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मतलब ये डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर इन ए प्रोसेस इन विच वर्क इज डन बाई एक्सपेंडिंग ए गैस, एक्सपेंडिंग गैस के दौरान जो गैस अंदर एडियाबेटिक कंडीशन रहेगा वो डिक्रीज करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 थ्योरेटिकली ए पेट्रोल इंजन ऑपरेट ऑन साइकिल। तो पेट्रोल इंजन कौन से साइकिल पे ऑपरेट करता है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऑपरेट करता है, ऑप्शन सी कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 साइकिल हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी, किस साइकिल का मैक्सिमम एफिशिएंसी है, तो सभी को पता है ये कर्नोट बाबा हैं जो मैक्सिमम एफिशिएंसी देती है, मतलब कर्नोट साइकिल, ऑप्शन सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और सब वीडियो की तरह लास्ट में हम भी यही बोलना चाहेंगे कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।